वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल और आज आपका चेंज योर लाइफ इन 100 डेज में आपका स्वागत है। अगले 100 दिन में हम 0 से लेके 10 लाख की जर्नी कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारा गोल है, इसको करना है, ठीक है। और हमने तीन चीज़ों पर मेन फोकस किया है, फाइनेंशियली फिट होने पे, मेंटली फिट होने पे और फिजिकली फिट होने पे, ठीक है। फिजिकली फिट होने पे जैसे कि मैंने बात किया थी, आज 6th डे है, ठीक है। तो आज 6th डे में मॉर्निंग में सिर्फ वॉकिंग की थी, एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि पूरी बॉडी पेन कर रहा था। पिछले 5 दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, उसके कारण पूरा बॉडी पेन कर रहा है, ठीक है। आज डे 6 में जो भी कवर किया मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। पहला कि फिजिकली एक्सरसाइज जहाँ मैंने की, जस्ट रनिंग और वॉकिंग की थी, ठीक है। और उसके साथ साथ अब मैं बताता हूँ, इतना आज के लिए काफ़ी था। अब मैं जो फाइनेंशियली बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको मेंटली बता देता हूँ, ठीक है। मेंटली में मैंने क्या किया, मेंटली में साइकोलॉजी ऑफ मनी, देखो पैसा कमाने से पहले पैसे कमाने की साइकोलॉजी समझना होगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने ऑलरेडी बुक पढ़ी थी, उसको रिवाइज किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मैंने बहुत पहले वो उस पर वीडियो बनाई थी, एक बार मैंने देख लिया कि कैसा क्या है। साइकोलॉजी ऑफ मनी और द फोर आवर वर्क वीक, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ये दोनों बुक आप जरूर आज रीड करना, आप लिसन करना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने आपको प्रैक्टिकली आप किस तरीके से इन चीज़ों को आपकी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, क्या है, मेंटली पे तो हम बात ही कर रहे थे, ठीक है। विजुलाइजेशन आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार आप विजुलाइजेशन ट्राई करो, जिससे कि आपको बहुत चीज आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप चीज़ अचीव करते जाओगे वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा, ठीक है। अब मैं फाइनेंशियली में बात करता हूँ, ठीक है। अब रिसेंटली हमारा जो कहते हैं आज से दो दिन पहले, एक दिन पहले जो क्लाइंट आया था, ठीक है, 14 दिन जो हमने क्लाइंट ग्रैब किया था, उसने 2000 रुपये पे किए थे, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के, उसके यूट्यूब इंस्टाग्राम और फेसबुक मैनेज करने थे, ठीक है। तो वो तो हम मैनेज कर ही रहे हैं और उससे अब अगला पेमेंट 4-5 दिन में हम सेकेंड पेमेंट लेंगे, मतलब कंप्लीट पेमेंट कर लेंगे, करवा लेंगे एक मंथ का, ठीक है। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया उससे, NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट वो बनवा लिया, तो वो साइन करवा लिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी और कहाँ कहाँ से कलेक्शन आ सकता है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और आ चुका है, ठीक है। एक तो हमारा अभी टोटल हमने पैसे अभी 2000 रुपये कमाए, और अभी हमारा गोल 10000 का, वो 10 लाख का है, ठीक है, 2000 जिससे कमाए। और सेकंड, रील्स एडिट करने के लिए मिली मैं इसको, एक यूट्यूब पे पेज है, उसके 50000 फॉलोअर, 55 समथिंग है, उनको रील एडिट करना है। एक रील एडिट करने के वो लगभग 70-80 रुपये पे कर रहे हैं। जो पॉडकास्ट वाली रील है उनको उठाना है, ये बियर बाइसेप्स और राजमानी और बहुत सारे पॉडकास्ट पर करके प्रवचन, ठीक है, इन क्रिएटर्स के वो रील्स एडिट करके देना है। एक रील एडिट करने के कितने पेमेंट पे कर रहा है, वो 70 पे कर रहा है, ठीक है। और दिन में उसको 5 रील देनी है, ठीक है, 7×5=35, ये आध घंटे 1 घंटे का काम है। तो उसमें हमको जो मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ, 7×5=35 एक रील एडिट करने के 70 रुपये दे रहा है, तो 3500 हो रहा है, ठीक है। तो जो भी मोटा मोटा अपन मान के चले तो 100 रुपये एक रील के मान के चलिए, ठीक है। उसमें टाइटल और एड करने की, जैसे जो डिस्क्रिप्शन है AI से ही हो जाती है, बट वो AI डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में, तो 30 रुपये उसके कर दिए, तो 100 रुपये ये मैंने एक रील के एडिट करने के ले रहा हूँ, ठीक है। ये रील एडिट करने के अभी मतलब वैसे मेरा ये प्लान नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगता है, बट ये अभी मैंने करके लिया रील्स एडिट करने के लिए। अभी मैंने मेरी जो चाची की लड़की है, छोटी बहन, कजन सिस्टर, उसको मैंने अभी पिछले 15 दिन में उसको रील्स एडिटिंग सिखा रहा था, मतलब इंदौर से ही था, मैं उसको बता रहा था कि क्लाइंट मास्टर कैसे एडिट करते हैं, ठीक है, क्लिप चैम्प कैसे यूज़ करते हैं, BN एडिटर कैसे यूज़ करते हैं और कैपकट कैसे यूज करते हैं। ये 4-5 ऐप मैंने उसको बता दिए थे किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से एडिट करते हैं, ठीक है। तो अभी वो एडिट कर रही है, ठीक है। तो अभी मेरे को उसको लैपटॉप देना है अगले मंथ या अगले एक दो महीने में, जैसा ही पेमेंट आता है बड़ा, मैं उसको लैपटॉप दे दूंगा, ठीक है, गिफ्ट भी दे दूंगा, जो मेरा काम करते रहेंगे तो हम साथ साथ में प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा प्लान है, ठीक है। तो वो रील्स एडिट करके दे रही है, तो हम एक दिन की बता रहा हूँ, ठीक है। अभी उसने 3000 रुपये एडवांस दे चुका है वो,
ठीक है, तो उसके एक दिन की वो दो या तीन चैनल्स हैं। अभी एक तो जो 50-55 का है उस पर एक रील जाएगी और बाकी उसकी दो और तीन और हैं, जैसे कि एक प्रकृति प्रवचन वाला उसने फैन क्लब बना रखा है, एक बियर बाई सुत वाला बना रखा है, एक उसने उसका राजसमानी वाला बना रखा है। तो ये तीनों को वो मैनेज कर रहा है, डेली पोस्ट डालता है, ठीक है। तो उससे बढ़िया वो बैटिंग एप्स वाले आते हैं प्रमोशन, तो वहाँ से वो उसका रुपए कमा रहा है, ठीक है। और साथ ही ये यूट्यूब पे भी वो लॉन्ग फॉर्म में भी डाल रहा है, कट कट कर करके वीडियोस, तो इस तरीके से वो कमा रहा है, ठीक है। अभी 3,000 उसने दिए, अभी टोटल हमारा कलेक्शन हुआ है सिर्फ 5,000 रुपये, 10 लाख में सिर्फ 5 लाख कलेक्शन हुआ है। मैं आपको बता दूँ किस तरीके से एडिट करके दे रहा हूँ मैं, जो आपको एक बीच में जो भी अभी हम बात कर रहे हैं ना, इस समय पे मैं क्लिप डाल दूंगा किस तरीके की एडिट करके। मेरे लिए दोस्ती बहुत बहुत ऊपर है, क्योंकि अच्छे दोस्त मिलना सब बोलते हैं बहुत मुश्किल है, और मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास जो दोस्ती है, जिस जगह पे इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए दोस्ती हमेशा एक मतलब हमेशा टॉप पे रहेगी। ब्रदरहुड ऑन टॉप, 100% भाईचारा ऑन टॉप। रील उसको दे रहे हैं और वो आपको समझ में आ जाएगी, आप इस तरीके से कम कर सकते हो, आप खुद के पेजेस भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैंने पेजेस स्टार्ट नहीं किया, बट अभी क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है, एक बार ये कंप्लीट कर लें तो फिर बाकी ये फ्री टाइम में ये सारी चीजों पर भी फोकस करना चालू कर देंगे। क्योंकि साइड में कुछ नहीं करना, सामने वाली वीडियो एडिट करके डाल देना, ऑलरेडी फैंस है, ऑलरेडी क्रिएटर्स है, ऑलरेडी ऑडियंस है, बस डालना है प्रॉपर में, लगातार डालते रहोगे ना, आपको कुछ नहीं करना, लगातार कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली आप रील्स वाले पेज पे जो पॉडकास्ट वाले रील्स अपडेट करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप पैसा कमाओगे। ये एक कॉमन फैक्टर है कि अगर आपको पैसे कमाना है रील्स मतलब साइड में, अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, 1-2 घंटे दे पा रहे, तो प्रॉपर वे में 2-3 पेज ऐसे स्टार्ट कीजिए यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल्स, और उस पर प्रॉपर वे में रील्स अपलोड करते रहिए, दिन की दो, दिन की एक, मतलब एक टाइम पे एक टाइम फिक्स कर लीजिए, 4:30 या 5 बजे के समथिंग आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, 4 से लेकर 7 बजे के समथिंग आपको अपलोड करना है, 4:30 से 7 के समथिंग आप अपलोड कीजिए, बेस्ट टाइम है और इसमें आपको रिजल्ट भी मिल के आएगा, ठीक है। तो अभी टोटल हमारा 10 लाख में से 5,000 ही कलेक्शन हुआ है, ठीक है। और अभी इसने 3,000 पे किए और लव ये हमको 15,000 रुपये मंथली बेसिस पर पे करेगा, सुबह निकाल भी रहा है उतना, ठीक है। तो ये है हमारा काम, ठीक है। आप सब सुनते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद वंदे मातरम। सॉरी, मुझे अलविदा नहीं कहना चाहिए था, अलविदा इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि अभी कोई गेट बजा रहा था, मुझे लगा चाचा या फिर और कोई है गांव का, तो उससे बात करने के लिए मैं बाहर गया था, बट वो चाचा का लड़का था छोटा, बोल रहा था गाने चलाओ गाने सुनेंगे, ठीक है थोड़ी देर से सुन दो। तो मेंटली फिट होने के लिए क्या किया मैंने, मेंटली फिट होने के लिए आई जस्ट लिसन प्रेमानंद जी महाराज। भाई साहब, जो हम इतना सारा भाग रहे हैं वो तो भागते रहेंगे, जो चीज़ें हैं मेहनत करनी, पैसा कमाना, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, बट एक अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने प्रेमानंद जी महाराज को सुना और उनसे मतलब 8 घंटे या 45 मिनट मैंने उनको सुना, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो जो मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही थी उससे रिलेटेड देगा, और मन को शांति मिली, वास्तव में शांति मिली, क्योंकि मैं हमेशा घबराते रहता हूँ, बहराते रहता हूँ, मतलब एक हंगर, मतलब हर चीज़ के लिए करना है, इंस्टेंटली चाहिए, इंस्टेंटली तुरंत में चाहिए, अभी के अभी करना है। ये चीज़ मेरे को अंदर अंदर से ख़राब करती जा रही, मतलब बहुत ही मेरी बहुत बेकार आदत हो चुकी थी, मतलब अभी यूट्यूब करना, कुछ भी काम करना हो ना, कहीं पर भी जाना है, अब जैसे घूमने के लिए कहीं पर भी जाना है, खाटू से हम जाना है मान के चलिए, ठीक है। तो मैं मेरे दोस्तों से क्या बोलता था कि चलो चलो आज ही चलो, बाद में बाकी देखें, तो जो प्रॉपर में हर एक चीज़ अपन तुरंत में एक चीज़ नहीं ले सकते, एक बच्चे को होने में 9 महीने लगते हैं, तो हम हर काम तुरंत में नहीं कर सकते, तो एक प्रोसेस रहती है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और उससे रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊँ मेंटली, देखो आपको हर चीज़ तुरंत चाहिए तो तुरंत कुछ भी नहीं मिलता, एक ये लेसन बता देता हूँ मैं आपको, तो टाइम लगेगा, मेहनत करो, रिजल्ट आए, वेट करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंतजार करते रह जाओ, मेहनत भी करना पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं, आपका लक उतना ही बेटर होता जाता है जितना आप मेहनत करते हो, ठीक है दोस्तों। आपसे सुनता है वीडियो में।